केस थ्री है उसमें हम क्या करने वाले हैं, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड्स। डेटा मैं ले आई हूँ, क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे कंटेंट भी लिखा है क्योंकि मुझे स्टेप्स बताने हैं बेसिकली। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ना हमें क्या कहा, हमारे पास फाइव कमोडिटीज है, 2010 का प्राइस लेवल गिवन है, 2015 का प्राइस लेवल गिवन है। अब जो हमारा मेथड है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, इसमें हमें थ्री स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है जी। पहला स्टेप क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ एक्चुअल प्राइस ऑफ ईच वेरिएबल इनटू परसेंटेज ऑफ द बेस पीरियड। हमारा जो एक्चुअल प्राइस है बेसिकली दिस इज द प्राइस, हम यहां पर निकालेंगे पहली बात तो रिलेटिव, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ एक्चुअल प्राइस ऑफ ईच वेरिएबल इनटू द परसेंटेज ऑफ बेस पीरियड। तो हमारा जो एक्चुअल प्राइस है दैट इज 2015, क्योंकि इसे हम बेस कंसीडर करेंगे और इसे हम एक्चुअल प्राइस कंसीडर करेंगे। दिस इज P1 एंड दिस इज P0। रिलेटिव निकालने का हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज P1 डिवाइडेड बाय P0 इनटू 100। तो हमने करना क्या है, हर एक लेवल पे रिलेटिव्स निकालने हैं। ये जब हम रिलेटिव्स निकाल लेंगे, दीस परसेंटेज आर कॉल्ड रिलेटिव्स, परसेंटेज ऐसे निकलेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा हम उसका एग्रीगेट करेंगे और थर्ड स्टेप में हमारा प्राइस इंडेक्स आएगा। मैं आपको दिखा रही हूं कैसे करना है। तो हमारा जो करंट प्राइस है दैट इज 80 डिवाइडेड बाय 50 इनटू 100। दिस इज P1, दिस इज P0। यहां मैं लिख भी देती हूं, दिस इज द बेस ईयर प्राइस एंड दिस इज द करंट ईयर प्राइस। यहां पर क्या आएगा, 60 डिवाइडेड बाय 40 इनटू 100। डिफरेंस क्लियर होना चाहिए सारे मेथड्स का, 20 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 100, 10 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 100, 6 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100। यानी हमें हर एक केस में रिलेटिव्स निकालने हैं, फिर इन रिलेटिव्स का हमें एग्रीगेट करना है। अभी हम निकालते हैं, एग्रीगेट भी करते हैं हर एक केस में हमारा। तो हमारा पहला केस क्या है, 80 डिवाइडेड बाय 50, परसेंटेज आ गई हमारी यहां पर 160। फिर हमारा है 60 डिवाइडेड बाय 40, यहां आ गई हमारी 150। फिर हमारी 20 डिवाइडेड बाय 10, ये तो चलो 200% आ गया, ठीक है। 5 × 10, ये भी 200% आ गया। 2 × 3 = 6, ये भी हमारा 300% आ गया। अब हम इनका करेंगे एग्रीगेट, ठीक है जी। 160 प्लस 150 प्लस 400 प्लस 300, तो हमारा जो एग्रीगेट आ रहा है वो 1010। ये हमारा एग्रीगेट आया। पहला स्टेप हमारा था कि हमें इंडिविजुअल प्राइजेस का उसके बेस ईयर प्राइस से परसेंटेज निकाल रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज रिलेटिव्स, ठीक है। सेकंड, ये जो हमारा पहला स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है हमारा, सेकंड स्टेप इज सिग्मा आर, यानी हमें इन सब का करना है एग्रीगेट। ये है हमारा थर्ड स्टेप प्राइस इंडेक्स निकालने का। प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा आर डिवाइडेड बाय एन, यानी हमें एवरेज निकालना है इन पीरियड्स का जो हमारा, सॉरी जो रिलेटिव्स आए हैं। तो 1010 हमारे कितने प्रोडक्ट्स थे, हमारे 5 प्रोडक्ट्स थे। तो बेसिकली P01 इक्वल्स टू 202, दिस इज योर प्राइस इंडेक्स। ये प्राइस इंडेक्स आपका आया। तो टफ तो है ही नहीं, सिर्फ आपको हर किस मेथड में कैसे करना है वो क्लियर होना चाहिए। आगे मैं वेटेड भी क्लियर करने वाली हूं, सारे मेथड कवर करूंगी इंडेक्स नंबर के। तो बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब।